उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी की ओर से तो खुद सीएम योगी मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी की जीत के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी कानपुर और बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। अयोध्या में अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश करने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी जनसभा कानपुर में की। इस दौरान सीएम योगी ने नगर निगमों में हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म कर लोगों को तमाम सुविधाएं देने का वादा किया। साथ ही सपा बसपा पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हुए उन्हें जमकर घेरा। यानी जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं, लेकिन विकास की योजनाओं के साथ जनता को जोड़ेंगे और इसी दिशा से एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य हम करेंगे। लेकिन जब बोर्ड नगर निगम इकाइयों में बनेगा तो वही बोर्ड तेजी के साथ उन कार्यों को कर देगा। जहां भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड दुर्भाग्य से नहीं बनेगा, वहां पर फिर लोग खसोट मचेगी और अंततः ऐसी इकाइयों को भंग करना पड़ेगा। कानपुर के बाद सीएम योगी बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सरकार की पारदर्शिता का गुणगान कर पूर्व की सरकारों पर हमला बोला। पिछली सरकारों में अपराधियों का राजनीतिकरण होता था, राजनीति का अपराधीकरण होता था, अपराध का औद्योगिकरण होता था और पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता होती थी, दंगा होता था, लूट खसोट और अराजकता का भंग तांडव होता था। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे। पहले व्यापारी आगे भागता था, उसके पीछे अपराधी घूम करके उसको मारता था। पहले अपराधी प्रदेश के अंदर आकर के बेवकूफ घूमते थे और व्यापारी प्रदेश से पलायन करता था। आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने मात्र 7 महीने में प्रदेश की तस्वीर बदली है। तो योगी निकाय चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी जनता बीजेपी को सिराखों पर बिठाती है। ये 1 दिसंबर को सबके सामने होगा। डीबी लाइव के लिए अवनीश कुमार की रिपोर्ट।